हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस विद ग्लो। आई एम डाल्वी गोयल। तो आज की वीडियो का टाइटल पढ़ के तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज आप सबके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ गाइस, मैं आज आप सबके साथ ऐसी लिपस्टिक शेयर करने वाली हूँ जो एवरी इंडियन स्किन टोन पर बहुत ही ज़्यादा सूट करती हैं, चाहे वो फेयर स्किन टोन हो या मीडियम हो या डस्की स्किन टोन, कोई भी स्किन टोन हो, ये जो लिपस्टिक हैं एवरी स्किन टोन पर बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, बहुत परफेक्ट लगती हैं। गाइज, लिपस्टिक लगाना तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। ये एक ऐसा मेकअप आर्ट है जो एवरी गर्ल्स को पसंद होता है, चाहे वो मेकअप करती हो या ना करती हो। बट लिपस्टिक लगाने से क्या होता है, हम कोई भी मेकअप नहीं करते, बट अगर एक लिपस्टिक लगा लेते हैं तो उससे हमारा जो लुक है वो प्रेजेंटेबल लगता है, अच्छा लगता है दिखने में, थोड़ा फ्रेश लगता है। गाइज, विदाउट दैट्स एनी व्हाई फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो पहली लिपस्टिक मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है ये लॉरियल पेरिस की 266 शेड शेड नंबर है इसका, एंड प्योर रोज। जी हाँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड शेड है, जस्ट लाइक दिस। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इसका ये शेड, और ये हाँ हर स्किन टोन पर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। इवन इस टाइम ही मैंने ये ही शेड वेयर किया है। ये इसका जो फॉर्मूला है वो क्रीमी है, नॉट मैट, एंड ये थोड़ा सा ट्रांसफ़र होती है, एकदम प्रॉपर मैट नहीं है ये। इस जैसे हम कुछ भी खाते पीते हैं तो ये थोड़ा सा ये जो ट्रांसफ़र लिपस्टिक होती है, वो है क्लेम करती है कि 6 आवर तक लिप्स पर रहती है। ये जो लिपस्टिक है वो लिप्स को बहुत ही मॉइस्चराइज रखती है, नॉट क्योंकि ये मैट नहीं है। मैट जो लिपस्टिक होती है थोड़ा ड्राइंग होती है, बट ये क्या है, ये आपकी लिप्स को मॉइस्चराइज भी रखेगी, एज वेल एज ये आपको कलर पे ऑफ भी अच्छा देती है। इसका जो वन स्वाइप में जो कलर आता है बहुत ही अच्छा कलर आता है, आपको दूसरा कोट लगाने की नीड नहीं होती। वन स्वाइप में इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आता है, ये देखिए बहुत प्यारा, और ये थोड़ा सा ट्रांसफ़र होती है, बट ये क्या है, अपना स्टेन छोड़ देती है। तो मतलब आपके लिप्स पर ये रहती है 5 से 6 घंटे, अपना स्टेन छोड़ देती है जो। तो या अगर आप कुछ रेड शेड में अगर कोई अच्छा लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं और जो क्रीमी हो, नॉट प्रॉपर मैट, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, आई जस्ट लव इट। एंड जो भी प्राइस होंगी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर नेक्स्ट दूंगी। लिपस्टिक लिपस्टिक है वो है पर्पल की तरफ से, इसका जो शेड है वो है एक मिनट, बिंग ईटिंग, और इसका जो शेड नंबर है वो है 3। जी हाँ, इसका शेड नंबर है एक, ये एक बहुत ही प्यारा सा न्यूट न्यूट शेड है, न्यूट काइंड ऑफ शेड है। लुक एट दिस, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, और ये भी एवरी स्किन टोन को बहुत सूट करेगा, चाहे डीपर हो चाहे फेयर स्किन टोन हो। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा सा न्यूट शेड है ये, ब्राउन न्यूट शेड है एक्चुअली, थोड़ा सा डार्क ब्राउन जो होता है उस टाइप का। तो ये जो लिपस्टिक है इनका फॉर्मूला क्रीमी टू मैट है, मीन्स जब हम लगाते हैं तो बहुत अच्छे से हमारी लिप्स पर ग्लाइड हो जाती है, देन उसके कुछ टाइम बाद ये प्रॉपर मैट। बट एक जो वेलविटी मैट फॉर्मूला होता है, वेलविटी मैट के साथ ये लिपस्टिक है, मीन्स हमारे जो लिप्स होते हैं वो एकदम ड्राई फील नहीं करते, खिंचे खिंचे नहीं रहते, एट द सेम टाइम ये ट्रांसफ़र भी नहीं होती। ये जी हाँ, ये ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक है। अगर आप न्यूट कलर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये लिपस्टिक ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, जो हमारी नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है माई ग्लैम की तरफ से। इसमें मेरा शेड है LM26 कर्व। ये कैमरे में रेड लग रहा है बट ये एक पिंक शेड है, डार्क पिंक जो होता है रेडिश टोन में। इस टाइप से बहुत ही खूबसूरत लगता है ये शेड, इसको आप पार्टी शादी कहीं भी वेयर कर सकते हो अगर आप। ये एक लिप्स लिक्विड लिपस्टिक है और ये बहुत ही सुंदर लगती है लिप्स पे लगाने के बाद। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही एकदम ड्राइंग नहीं है, ऐसा नहीं कि लिक्विड लिपस्टिक है तो बहुत ज़्यादा ड्राइंग हो, लिप्स को चैपी या लिप्स को एकदम ड्राई कर दे, ऐसा और कुछ भी भी लिपस्टिक को लगाने से पहले थोड़ा सा लिप बाम अप्लाई कीजिए, देन उस लिप बाम को क्लीन करके फिर इस लिपस्टिक को अप्लाई कीजिए। ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी लिप्स पर ग्लाइड हो जाती है। हमारी नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है ग्लॉस लिप्स की तरफ से, और इसमें मेरा शेड है 05। ये बहुत ही प्यारा सा मजेंटा पिंक कलर है, बहुत ही सुंदर सा ये कलर है। इसका मैं स्वेच आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा कलर है पिंक शेड।
है, अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो ये आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एंड जो ये जो लिपस्टिक है इसकी खास बात है, ये बुलेट लिपस्टिक है बट इसका जो फॉर्मूला है एकदम, जब आप अपने लिप्स पर ग्लाइड करोगे इतना स्मूथली ग्लाइड होता है, देन आफ्टर 10 to 15 मिनट बाद ये प्रॉपर मेट हो जाता है, ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता, ट्रस्ट मी। मेरी वन ऑफ द फेवरेट लिपस्टिक है, मैं इसको काफ़ी अप्लाई करती हूँ जब भी मैं ऑफिस या कहीं बाहर जाना होता है, तो ये एवरीडे के लिए परफेक्ट शेड है। एंड आई जस्ट लव इट, का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, लिप्स को बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं बनाता है, एंड आप कुछ भी खाओ कुछ भी पियो ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होती है, एंड आई जस्ट लव इट। और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, ऑलमोस्ट 200 to 250 के बीच में, इसका रेंज ऑलमोस्ट 200 to 250 के बीच में है। स्टिक में अगर आप पिंक शेड ट्राई करना चाहते हैं, आप पिंक शेड आपको पसंद है मोस्टली, हर किसी का एक फेवरेट जोन होता है, जस्ट लाइक किसी को रेड शेड पसंद होता है, किसी को पिंक पिंक काइंड ऑफ शेड्स पसंद होते हैं, किसी को बहुत न्यूट्रल शेड्स पसंद होते हैं। अगर आप पिंक शेड लगाना पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप इस लिपस्टिक की तरफ जा सकते हो। एंड जो हमारी नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है अगेन माई ग्लैम की तरफ से, और ये एक बहुत ही सुंदर सा न्यूट काइंड ऑफ शेड है। इसमें जो मेरा शेड नेम है वो है LM70 पर कप, या इसमें शेड है पर कप LM70। सो एक न्यूट काइंड ऑफ शेड है, थोड़ा सा लाइट न्यूट जो होता है वो बहुत, ये भी एक शेड बहुत सुंदर है, थोड़ा सा येलो स्टोन आ रहा है इसमें, ये थोड़ा सा, ये जो शेड था ब्राउन उससे थोड़ा सा लाइट शेड है, बट ये थोड़ा सा लाइट शेड है, तो थोड़ा सा जो डीपर स्किन टोन है, मीडियम स्किन टोन है, तो वॉश आउट कर सकता है। इसका भी जो फॉर्मूला है वो सेम जो माइक लैम की, जो ये प्योर क्या नहीं इसका कर जो, ये दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है बिकॉज ये सेम ब्रांड की है। सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट शेड है वो है इनसाइट की तरफ से, लेट मी ओपन। सो इसमें जो मेरा शेड है वो है इनसाइट 13 टॉफी क्रीम। टॉफी क्रीम ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑरेंजिश काइंड ऑफ शेड है, बहुत ही सुंदर। सो एक बहुत ही प्यारा सा पीची कोरल साइड काइंड ऑफ शेड है लिपस्टिक है। इसका जो फॉर्मूला है वो भी काफ़ी अच्छा है अकॉर्डिंग टू प्राइस, इसका प्राइस जस्ट अंडर 100 रुपीज़ है, या उसकी जो क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही अच्छी है। ये जो लिपस्टिक है मैंने एक दो बार ट्राई की है, बहुत अच्छा, इसका बहुत सुंदर इसका शेड लगता है, इसका जो ऑरेंजिश काइंड ऑफ, जिनको ऑरेंजिश काइंड ऑफ शेड पसंद है उनके लिए परफेक्ट है ये लिपस्टिक। अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे बहुत अच्छी लगी लिपस्टिक, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी इनसाइट की लिपस्टिक, बट जब मैंने इसको मंगाया और अप्लाई किया बहुत सुंदर थी। सो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए। सो मैंने जब इस लिपस्टिक को फर्स्ट टाइम लगाया था तो मुझे बहुत इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही सूटेबल लगा था, मैंने पूरा दिन इसको 6 7 8 घंटे वेयर भी करके रखा था, बट ये सच में ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, थोड़ा सा फेड हो जाती है जैसे हम कुछ खाते पीने, तो थोड़ा सा फेड हुई थी, बट आप इसको चाहे तो रीअप्लाई कर सकते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि ये पैराबिन फ्री है, सो या दैट्स इट, दैट्स गुड फॉर दिस लिपस्टिक, या अकॉर्डिंग टू प्राइस तो बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट शेड है वो है एलिटिन का लिक्विड लिप कलर। इसमें जो मेरा शेड है वो है B90 फ्लैटरिंग न्यूड। ये बहुत ही प्यारा से पिंक काइंड ऑफ न्यूड शेड है गाइस, लुक एट दिस कलर, बहुत सुंदर इसका कलर है, बहुत, थोड़ा सा ये वॉश ऑफ कर सकता है बट आप डेफिनेटली, जैसे कि ये बहुत डार्क कलर था ये पिंक, जस्ट लाइक आपके पास कोई ऐसा कलर है डार्क तो उसके ऊपर आप ये वाला कोट कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, अगर मुझको कोई लिपस्टिक बहुत ज़्यादा डार्क लगती है या कोई लिपस्टिक बहुत लाइट है तो मैं पहले डार्क लिपस्टिक को अप्लाई करके देन जो लाइट लिपस्टिक है उसको थोड़ा सा ऊपर कोट कर लो, बहुत सुंदर शेड बन जाता है, और आपको ऐसा भी नहीं लगता जैसे अगर आप लाइट लिपस्टिक लगाते हो तो वो वॉश आउट करता है, डार्क लिपस्टिक लगाते हो तो वो ज़्यादा ओवर लगता है, तो वो एक बैलेंस आउट हो जाता है, तो इसीलिए। बट या ये जो लिपस्टिक है ये भी ऑलमोस्ट 120 के अराउंड मुझे पड़ा था, मैंने ये लोकल ब्यूटी स्टोर से लिया था, बट ट्रस्ट मी गाइस इट इज़ अ वेरी गुड लिपस्टिक, वेरी गुड, बहुत, इसका जो कलर है वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। सो या डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आपको अफोर्डेबल में कोई अच्छा लिपस्टिक
ठीक है, आप ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं, बहुत सुंदर शेड है। सो अब मैं आपके साथ इन लिपस्टिक का लिप स्वाचेस शेयर करूंगी, देखते हैं कि जो लिपस्टिक है वो लिप्स पर लगाने के बाद कैसी लगती है। सो या गाइस, लेट्स एंजॉय लिप स्वाचेस। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो देन मेक श्योर प्लीज़ लाइक टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स मीन अलॉट टू मी एंड आई विल कम सून विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।